हाय, तो आप जो है घर पर जो है पिज़्ज़ा, बर्गर, पूड़ी, हलवा, समोसा, आइसक्रीम ये सब जो बनाते हैं, तो क्या ये भी जंक फूड के कैटेगरी में आएगा या ये हेल्दी फूड है? तो इस वीडियो में मैंने यही बताया है कि जंक फूड क्या है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, उतना मैंने डिटेल में नहीं बताया है। बट आप जो है घर पर ऐसे फूड्स को कैसे हेल्दी बना सकते हैं एंड जो है आपको कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ करना चाहिए, बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट आता है इसका। तो सबसे पहले आता है कि जंक फूड होता क्या है। तो कोई भी ऐसा फूड जो उसमें है अनहेल्दी फूड आइटम्स हैं, अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, और जो है बहुत ही ज़्यादा फैट कंटेंट हो, स्पेशली सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट, जो कि है क्या रहता है केमिकल प्रोसेस से बन जाता है, जो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स जो हम करते हैं, जो कि स्पेशली क्या रहता है बाजार में आपने देखा होगा समोसा हो गया या कुछ भी हो गया, वो एक ही तेल में बार बार उसको बनाते रहते हैं, दे मीन्स वो कभी तेल चेंज नहीं करेंगे जब तक वो तेल ख़त्म ना हो जाए। तो वो जो है एक कार्सिनोजेनिक ऑयल बन जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है बॉडी के लिए। एंड बाकी जंक फूड में और क्या रहेगा, मीन्स हाई इन शुगर, यूजुअली जो भी कोई भी जंक फूड है बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा या बहुत ही ज़्यादा फैट है या सॉल्ट, नमक भी बहुत ज़्यादा है। आप पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे तो उसमें ऊपर से तो जो डला ही रहता है उसके जो मैदा का बना होगा उसमें भी जो है नमक का एक्स्ट्रा मिलाते हैं। हमारी बॉडी के जो हमको जितना नमक चाहिए होता है ऑलमोस्ट जो हम इंडियन डाइट में खाते हैं वो ऑलमोस्ट जो है डबल खाते हैं। इसी का एक रीज़न ये भी है कि हमारे इंडियंस में जो है हाइपरटेंशन, बीपी जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, फैमिलियल भी रहता है, बट जो है अगर सॉल्ट इंटेक अगर आपका ज़्यादा है तो उससे जो है बीपी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट रीज़न। अगर आप बच्चे को भी जो है बच्चा भी मीन्स ऑब्वियसली बच्चे को ये प्रॉब्लम्स बचपन में नहीं होंगी, बट कंटिन्यूसली अगर बच्चा ऐसे खाने जो है बहुत ही ज़्यादा खाता है, मीन्स वंस इन अ वीक अगर खा रहा है वो भी लिमिट में खा रहे हैं तो दैट इज़ ओके। और अगर जो है लेकिन मीन्स अगर एक वीक में भी खा रहा है, आप सुबह से लेके उसको जो है रात तक बच्चा अनहेल्दी फूड ही खा रहा है, तो फिर वो जो हो गया मीन्स पूरा एक वीक का कोटा पूरा कर लिया, तो वो नहीं करना है। तो आपको जो है जितना अवॉइड कर सकते हैं आप बाहर का अवॉइड करिए। एंड तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या ये हम घर पर बना सकते हैं, तो यस जो है घर के जो है ये फूड आइटम्स बाजार के कंपैरिजन डेफिनेटली मच मच हेल्दी हैं, क्योंकि आप जो ऑयल यूज़ करोगे वो अच्छा ऑयल होगा, आप जो बाकी भी कोई भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे वो अच्छा इंग्रेडिएंट्स होगा मार्केट के कंपैरिजन में। एंड कुछ ऐसी चीज़ें करके लाइक आप मैदे की जगह जो है गेहूँ यूज़ करिए, तो जो है मैदा जो है धीरे 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 जो है डिपॉजिट होता जाता है एंड उसका डाइजेशन बच्चे के लिए स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत ही बेकार है। बेकरी आइटम जो भी हो गया लाइक बच्चों को पेस्ट्री, केक ये सब बहुत ही पसंद है, दैट्स टोटली अनहेल्दी। आप जो है मेरा ड्राई फ्रूट्स केक के ऊपर मैंने सॉरी ड्राई फ्रूट्स डेट्स केक जो है रिसेंटली वीडियो डाला था वो देख लीजिए, दैट्स सुपर हेल्दी केक। इन जब आपके बच्चों को ऐसा लगता है तो आप कुछ भी अच्छा हेल्दी ऑप्शन बना दीजिए। और अगर आप घर पे बनाओगे तो उसमें फ्लेवर्स नहीं ऐड करोगे, मींस कि जैसे मार्केट में एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करते हैं या उसको ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए जैसे केक को ही मान लीजिए प्रजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, कलर इतने सारे आपने देखा होगा वो इतना रंग बिरंगा होता है कलर्स ऐड करते हैं, या फिर बहुत ही सारे जो ऑयल डेफिनेटली यूज़ करते हैं वो तो मतलब आप जितना अच्छा क्वालिटी का करोगे वो नहीं करेंगे एंड जो है हाइजीन भी उतना अच्छे से मेंटेन नहीं रहेगी। और नेक्स्ट क्या आप कर सकते हो, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके बनाइए एंड जो है आप जो है शक्कर की जगह जो है गुड़ या फिर डेट्स यूज़ करिए, डेफिनेटली जो है उसका टेस्ट भी बेटर रहेगा एंड जो है शक्कर जो है सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, गुड़ के बेनिफिट्स हैं, डेट्स के भी अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, आप गुड़ वो यूज़ करिए। सॉल्ट जो है आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट, नमक जो है आप बहुत ज़्यादा नमक मत डालिए। एंड जो है लाइक अगर आपने सपोज पिज़्ज़ा बनाया, पास्ता बनाया, आप उसमें खूब सारा सब्जियां मिला दीजिए, या आजकल काफ़ी पालक पास्ता ये सब भी काफ़ी फेमस है, तो आप ऐसा कुछ ट्राई करके देख सकते हो, बच्चों को अच्छा लगता है। देन जो है ऑब्वियसली जो है एडेड कलर्स हो गए, प्रजर्वेटिव्स हो गए, ये सब आप घर पर नहीं डालोगे
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, एक बार जो आप तेल को यूज़ कर लेते हो तो उसको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आप जो है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए या जो भी करना है आप करिए, लेकिन उस तेल को बार बार यूज़ मत करिए, तो क्योंकि वो जो है उसमें काफ़ी सारे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपको हेल्थ से रिलेटेड या बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे।